फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू एक्स एम वी आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन तो शुरू करते हैं आज का हमारा करेंट अफेयर जो कि है ग्यारह एंड बारह दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सो एज यू ऑल नो दैट दिस पर्टिकुलरली वीडियो दैट इज रिलीज ऑन मंडे इज फ्रॉम दी वीकेंड न्यूज तो वीकेंड में न्यूज फ्लो कम रहता है अभी पार्लियामेंट सेशन में है लेकिन वीकेंड पर काम नहीं करता है सो न्यूज़ फ्लो फिर से वीकेंड में गिर गया है बट येस yes, यू नो संडे था प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इनग्रेट किया है देश में तो वो सारा चीज हम इसमें कवर करने वाले हैं तो फ्रेंड्स डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड एंड 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 दी दी सो दैट यू यू कैन रिवाइज इट इट रिक्वायर्ड तो शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज से दैट इज यू नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो है फर्स्ट फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटी मीटिंग तो जैसे कि आपको पता है जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी इंडिया एक्वायर कर चुका है राइट जी ट्वेंटी जो समिट है वो सितंबर 2023 में इंडिया में होने वाला है जिसमें जितने भी डी ट्वेंटी नेशन हैं एंड जो इनवाइटेड नेशंस होंगे वो सारे कंट्री के हेड ऑफ़ द स्टेट इंडिया में आएंगे एंड दे वुड प्रोसीड फॉर ए समिट बट यू नो व्हेन द हेड ऑफ द नेशन मीट ऐसा नहीं है कि डिसीजन तब हो रहा है तब जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल स्टेज पे रहेगा मतलब साइनिंग स्टेज पे होगा बाकी जो उसके पीछे का डिलीवरेशंस है है ना नेगोशिएशन से वो सारा बहुत सारे मीटिंग का आउटकम है एंड ऑल हैव बीन स्टार्टेड तो न्यूज़ क्या है कि जी ट्वेंटी का पहला फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटी मिनिटिंग इज शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन थर्टीन एंड फिफ्टीन दिसंबर टू मतलब मंगलवार से शुरू होने वाला है कहां पे होगा बेंगलुरु में होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है अब This meeting which will mark the start of discussion on the finance track agenda under the Indian G20 presidency will be hosted jointly by Ministry of Finance and the Reserve Bank of India. ठीक है तो ये finance track की बात तो जो गवर्नर है शक्तिकांत दास उन्होंने मॉनिटरी पॉलिसी के वक्त ही बता दिया था कि फाइनेंस ट्रैक का जो एजेंडा है जो प्रोसेस है वो आरबीआई में इंटरनली शुरू हो गया है बट ही did not give any detail राइट right? तो तब न्यूज पर भी कुछ नहीं आया तो अब ये न्यूज में है मतलब ये समझ में आ रहा है कि जब इसको ज्वाइंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होल्ड कर रही है तो कहीं ना कहीं डिस्कशन हैज बिगिन इंटरनली इन बोथ दी यू नो ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो अब हाइलाइट्स की बात करें दी जी ट्वेंटी फाइनेंस ट्रैक इसको लीड कौन करता है फाइनेंस मिनिस्टर एंड दी सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ जी ट्वेंटी कंट्रीज फोकस ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशू इट प्रोवाइड एन इफेक्टिव फोरम फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्कलोजर एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन तो ये जो फाइनेंस ट्रैक वाला मीटिंग है ये कब होगा द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर का जो मीटिंग है ये फरवरी तेईस से फरवरी पच्चीस दो हजार तेईस इन बेंगलुरु तो ये भी बेंगलुरु में होने वाला है लेकिन डेट तेईस से पच्चीस फेबर तो यहाँ पे एक चीज आप नोट करो यू नो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग है वो 23 से 25 फरवरी को होगा लेकिन अभी क्या है अभी है फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटी मीटिंग इज शेड्यूल्ड ठीक है ये सेंट्रल बैंक डिप्यूटी इसको एफ बोलते हैं फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटी मीटिंग ठीक है इसमें को चेयर कौन है दी अपकमिंग मीटिंग ऑफ द जी ट्वेंटी फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटी मतलब जो कि अभी दिसंबर तेरह से पंद्रह के बीच में होगा बेंगलुरु में दैट विल बी को चेयर्ड बाई मिस्टर अजय सेत ये कौन है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड डॉक्टर माइकल डी पात्रा डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आर बी आई आई होप यू नो डॉक्टर माइकल डी पात्रा राइट ये वही डिप्टी गवर्नर है जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में भी है अब अदर हाईलाइट्स की बात करें तो ये जो मीटिंग है उसके साइडलाइंस में एक और डिस्कशन पैनल होगा विल बी हेल्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग मल्टी नेटरल डेवलपमेंट बैंक टू एड्रेस शेयर्ड ग्लोबल चैलेंजेस ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी ए सेमिनार ऑन दी रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन ग्रीन फाइनेंसिंग ठीक है ये दोनों एक डिस्कशन पैनल एक सेमिनार ये दो चीज इस साइडलाइंस में होगा आई होप ये आपको क्लियर हो गया है बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ वो भी आर बी आई से रिलेटेड है आर बी आई शॉर्टलेस सेवन कंसल्टेंसी फर्म तो ये सेवन कंसल्टेंसी फर्म काम क्या करेगा to improve AI ML to improve supervision. AI ML का मतलब क्या है Artificial intelligence and machine learning. तो देखो as and when everything moves into technology. आज technology के through क्या नहीं हो रहा है UPI is completely technology based, right? तो फ्यूचर में इन सर्विसेज को और बेटर सुपरवाइज करने के लिए इनके डेटा को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है पहला चीज दूसरा है ये तो एनालिसिस करके फ्यूचर के बारे में बट इफ देर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन इन दिस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा तो वो पकड़ना एक मतलब ह्यूमन बींग के लिए इज इम्पॉसिबल अनलेस दैट ह्यूमन बींग यू नो इज कैपेबल ऑफ ए आई एंड एम एल मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग यू नो बिकॉज एल्गोरिदम्स होते हैं इतने जल्दी जल्दी आप एक चीज सोचो आप दिन में कितना यूपीआई ट्रांजेक्शन करते होंगे पांच से दस यूपीआई ट्रांजेक्शन

बहुत सारा चीज को एग्जीक्यूट इन टर्म्स ऑफ सुपरविजन करता है सिर्फ बता देता है कि आप इसको इस तरीके से करो ना कि खुद से उसको एक्सिक्यूट करता है राइट right? हाईलाइट की बात करें तो सेवन ग्लोबल फॉर्म्स है अभी सेवन ग्लोबल फॉर्म कौन है आप यहां नाम पढ़ सकते हो ऑल्दो यू नो नेम इज ऑब्वियसली नॉट इंपॉर्टेंट बट यस आप एक दो बार देख लो आप इन कंपनीज का नाम सुने हो यू विल गेट टू नो एक्सेंचर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बॉस्टन कॉन्सल्टिंग ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड डेवलाइट अर्नेस्ट एंड यंग के पी एमजी ठीक है मेकैनसी एंड पीडब्ल्यूसी प्राइस वॉटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड ये सारा कंपनी का नाम आपने सुना होगा ठीक है अब इसमें एक ये भी है कि आरबीआई लुकिंग टू एक्सटेंसिवली यूज एडवांस एनालिटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टू एनालाइज इट्स ह्यूज डेटाबेस एंड इंप्रूव रेगुलेटरी सुपरविजन ओवर बैंक एंड एनवीएफसी इट्स नॉट जस्ट अबाउट बैंक एंड एनवीएफसी इट्स अबाउट ऑल एंटिटीज दैट दरबीआई रेगुलेट्स ठीक है तो इसके लिए आर बी आई इज़ प्लानिंग टू हायर एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स एज वेल सो प्रोबेबली मतलब एक अपॉर्चुनिटी है किसके लिए हमारे लिए सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट न्यूज विच इज़ कल्चरल फेस्टिवल देखो ये कल्चरल फेस्टिवल 10 दिसंबर 2022 से शुरू किया है ठीक अब ये हर वीक में होगा कहाँ पे होगा सेंट्रल विस्टा का जो आ, मतलब सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट अभी कुछ दिन पहले बना था वहाँ पे होगा सेंट्रल विस्टा इंडिया गेट ठीक है एम थिएटर में हर वीक होगा सिंस दिस इज न्यू दिस इज ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तो ये आपको ना याद रखना है क्या क्या याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर स्टोरी टेलिंग ठीक है एज ए पार्ट ऑफ कालिजी कैंपेन जो दो कुछ दिन पहले शुरू हुआ है ये कहां पे होगा एमपी थिएटर सेंट्रल विस्टा इंडिया गेट एवरी वीक बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ वो है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल ठीक है थर्टी नाइन एडिशन ऑफ इंडिया इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल तो इंडिया इंडो कॉरपोरेट बोलते हैं इसको तो ये आपको याद रखना है थर्टी नाइन्थ एडिशन बिटवीन किसके किसके बीच में इंडियन नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी इज बिंग कंडक्टेड फ्रॉम एट टू नाइनटीन दिसंबर ट्वेंटी टू इंडियन नेवलशिप इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर उतना हमको नहीं जानना है बट येस ये जो कॉर्पेट है ठीक है इंडिया इंडो कॉरपैट ये आपको याद रखना है कि ये इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल है इसका फुल फॉर्म एंड दिस इज दर्टी नाइन्थ एडिशन जिसमें इंडियन नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी पार्टिसिपेट कर रहे ना कि आर्मी एंड एयरफोर्स

चीफ है उन्होंने बोला था कि इंडियन मार्केट इज़ वेरी मच सस्टेनेबल सो प्रोबेबली यू नो देर इज ए कोगलेशन बिटवीन बिटवीन दैट न्यूज एंड दिस न्यूज़ यू नो सो वी आर डिस्कसिंग इट हियर सो इट्स एयर इंडिया विच इज़ नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ टाटा ग्रुप वो इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्डर शायद प्लेस करने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर ऑफ फाइव हंड्रेड जेट्स फ्रॉम एयरबस एंड बोइंग सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज विच इज़ हेल्दी सिटी तो देखो भोपाल को मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है भोपाल उसको बोला जाता है सिटी ऑफ लेक्स ठीक है तो अभी वर्ल्ड बैंक ने तैयारी शुरू कर दिया है कि इसको हेल्दी सिटी बनाया जाए ओके सो अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया सेट टू अचीव द टारगेट अलॉन्ग साइड वर्क ऑन द सेट गोल द क्वालिटी ऑफ द सिटीज फूड एंड द आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज कॉस्ड बाई देम विल बी वर्क ऑन तो हेल्दी सिटी बनाने के लिए बहुत सारा चीज करना होगा सीवेज साफ करना होगा वहाँ के फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा है ना अगर कोई यू you नो know, मतलब कई बार क्या होता है ना कुछ एक बीमारी एक रीजन में प्रिवेल करता है फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ब्लैक फीवर एक अलग टाइप का फीवर होता है जिसको आई थिंक जापानीज फीवर बोलते हैं वो बिहार में प्रिवेलिंग है मतलब हर साल वो बिहार के कुछ गाँव में होता है राइट तो वो सारे चीज़ को सही करना है वैल दी प्लान में टेक अप टू एट ईय टू कंप्लीट दो प्रेजेंट एट द मीटिंग कॉल फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्ट्रीट फूड तो आठ साल में ये होगा अब आपको सवाल क्या पूछ सकता है एग्जाम में आपको ये पूछ सकता है कि कौन सी सिटी को हेल्दी सिटी बनाने की परियोजना चल रही है विच सिटी है ना विल बी कॉल्ड एज हेल्दी सिटी इन द फ्यूचर आपको ये पूछ सकता है विच ऑर्गेनाइजेशन इज बैकिंग इट्स डब्ल्यू एच ओ तो ये आपको याद रखना है लेट्स मूव टू दी यू नो लास्ट पीस ऑफ न्यूज दैट इज़ वन लाइनर इसके बाद और भी कुछ है वन लाइनर तो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पिछले साल सी जो हमारे पहले थे फर्स्ट सी जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश में यू नो उन वो शहीद हो गए नाउ दिसंबर टेन को मतलब जो अजय भट्ट है राज्य रक्षा मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट उन्होंने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में उनके प्रतिमा को अनवील किया है ठीक है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ तो इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नागपुर में शुरू किया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ ठीक है और एक इंस्टीट्यूट है चंद्रपुर में हो रहा है ठीक सो लास्ट पीस ऑफ ऑनलाइनर एम्स नागपुर आज के दिन में प्राइम मिनिस्टर ने पंद्रह पचहत्तर करोड़ फिफ्टीन हंड्रेड सेवेंटी फाइव करोड़ से बना हुआ एम्स नागपुर को नेशन को डेडिकेट किया है मतलब उन्होंने इनोग्रेट किया है एम्स नागपुर में देर आर टोटल थर्टी एट डिपार्टमेंट्स बस आप इतना ही जान लो तो सही है नागपुर कहाँ पे है महाराष्ट्र के शहर पर हैं मतलब महाराष्ट्र का एक शहर है वंदे भारत एक्सप्रेस देश का सिक्स वंदे भारत एक्सप्रेस को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नागपुर स्टेशन से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्टेशन तक रवाना कर दिया है मतलब वंदे भारत का जो सिक्स है, राइट इट इज़ गोइंग टू कनेक्ट द सिटी ऑफ नागपुर इन महाराष्ट्र टू द सिटी इन छत्तीसगढ़ और बिलासपुर ठीक है सो अब बढ़ते हैं अब मिलते हैं कल फिर नए न्यूज़ के तरफ सो विद दिस अनफोल्ड योर पोटेंशियल विथ आई एक्स एम बी ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम दैट यू आर प्रिपेयरिंग प्रिपेयर फिफ्टी परसेंट फास्टर विथ आई एक्स एम बी